नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अगर हबीबी भी शराब पीती तो पाकिस्तान का इस्लाम खतरे में आती, खतरे में जाती। किट्टू राव की चैनल की ओर से वीडियो है। हाँ, तो ये वीडियो है सऊदी अरेबिया के रिलेटेड है। वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद जरूर आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर। चलिए स्टार्ट कर। सऊदी अरब ने बोला चीयर्स हबीबी, चीयर्स हबीबी, हैया हैया, अहलन व सहलन, मरहबा। हबीबी कम टू दुबई। क्यों? आई हैव अ स्मॉल ग्लास ऑफ वाइन वंस इन अ व्हाइल, नॉट टू बैड, नॉट टू बैड। सुभान अल्लाह, लुक एट हाउ द टर्मिनोलॉजी हैज चेंज्ड। शराब पी के तो लोगों ने बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन भी की हैं। अल्कोहल हराम है या हलाल है? हराम है। हराम है ना? नहीं। हराम है। हराम है ना? मैं नहीं मानता। झूठ बराबर, झूठ बराबर, झूठ बराबर। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में फ्रिज होते हैं छोटे से, पानी की बोतल रखते हैं, शैंपेन की बोतल रखते हैं, बियर की बोतल रखते हैं। और अब क्या करेंगे, ऊंट के ऊपर फ्रिज लगाएंगे। मुझे लगता है ऊंट के ऊपर फ्रिज लगेगा, ऐसे चल रहे ऊंट के ऊपर। अभी भी एक एडवाइजर तो दो। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कोई भी उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेता है। और इनके बाप दादाओं ने पहले तलवार के डर से सलवार पहन ली थी, लेकिन आजकल इनकी लड़कियां डॉलर्स के लिए, व्यूज के लिए अपनी सलवार खोल देती हैं सोशल मीडिया पर। इतना ही नहीं, और सुने, पाकिस्तान के मर्दों को जहाँ 4 शादियां करने का शौक है, वहीं इनके लड़कियों को 400 की बेगम बनने में कोई हर्ज नहीं। आओ मुझे पकड़ लो, जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे, सबके सब ठरकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो अहम खबर है जो कि शायद आप सब लोगों के लिए शॉक का बायस बने, ये जो भाई साहब है ना, ये बड़ी अच्छे से खबर सुनाता है, थोड़ा रोंदू तरीके से, और इसी का यही अंदाज है ना, अपने को सुकून देता है रोने वाला। भैया तो सबसे पहले चलते हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ पर खुले हैं भाई साहब हाय दारू के ठेके। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये फैसला कराया है कि रियाद में शराब बिकेगी। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे कि ये शराब सिर्फ नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स को मिलेगी, पहली चीज। लेकिन जो पाकिस्तान है ना, उसको पता नहीं क्यों हर चीज में अपनी नाक गुछेड़ने की जरूरत होती है यार। अब शेख ने चीयर्स बोला है, तो जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट है वो चीयर्स करेगा। अच्छा, पाकिस्तान में इसमें बड़ी छाती में जलन हो गई भाई। वो है सऊदी अरब का शराब खाना खोलना, क्या लेना देना। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मक्का में पहली बार योगा चैंपियनशिप होने लगी है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। सऊदी अरब के अंदर पहला शराब खाना खुल चुका है। तहाई वाहयात किस्म का, वाहयात किस्म का। जैसे सारी कह दे के हदें पार कर दी, अब क्या ये गलती थी या ये जानबूझकर किया गया, और वजह क्या थी? अलबत्ता मुस्लिम दुनिया इस ऐलान के बाद काफी सख्ते में है, काफी हैरानी में है दोस्तों। उन्हें ये सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? यानी मुस्लिम उम्मा के सरदार सऊदी अरेबिया में अब सरेआम शराब बिकेगी। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, MBS कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। ये एक ऐसी खबर है जिसने पूरे आलम इस्लाम को हिला के रख दिया है, मगर इस वाक्य का जवाब नहीं होता इनके पास। अभी तो वही हो गया कि मजदूर को खोदना और बाप को नहीं सिखाते ना, लेकिन पाकिस्तान वो ही करता है। पाकिस्तान ही क्या है, कन्वर्टेड मुस्लिम। और दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान जैसा माहौल देखें, पाकिस्तान जैसा भी है, लेकिन अब तक बहन भाई के पाकीज़ा मुकद्दस रिश्ते के बीच हवस की आग जलाई। मगर क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सऊदी अरेबिया को सिखा रहे कि भाई साहब कयामत का दिन दिखा दिया, मतलब जो कयामत का दिन होता है ना वो ऐसा ही होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा, और वो दिन कयामत का होगा। तो भाई कहीं यही वो दिन तो नहीं है? लेकिन अभी तक तो फिर पाकिस्तान जन्नुम में गया क्यों नहीं है, कयामत आ गई तो? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। ये आप देख रहे हैं, जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं लख दी लानत। मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। पाकिस्तानी टीवी एंकर्स, इनके मुंह से झाग निकल रहा है, इनके पता नहीं बार बार दुनिया भर की खुद का गरेबान नहीं देखते, और सबसे करप्ट पाकिस्तानी है यार। ये ऐसी कौम है जो पहले जाके नमाज पढ़ती है, फिर घर आके यही लोग शराब पीते हैं पाकिस्तानी। ये ऐसी कौम है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? खुल के बोलो ना यार, सऊदी अरब में कम से कम मुनाफिकत तो नहीं है।
हिपोक्रेसी तो नहीं है कम से कम सऊदी अरब में? सऊदी अरब में कम से कम ये तो नहीं है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं? पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। फिलिस्तीन 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 करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे फिलिस्तीन का, नाम जपते रहेंगे कश्मीर का, करते कख नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में जो टीवी एंकर है वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा टीवी एंकर्स के, ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, ये तो यहाँ पे अब देखिए शराब चलेगी, शराब खुद पी के बैठा होगा शो में वो। हिस्ट्री जो है वो तब्दील हो गई है। सऊदी अरेबिया ने नए कानून लेके आया है अल्कोहल इम्पोर्ट करेंगे फॉर द डिप्लोमेट्स का, और मुकदमा के मक्का मुकरमा मदीना के आसपास जो है 1400 साल हो चुके, 14 सदियां बीत चुकी है नाजरीन, शराब वहां से गुजरी तक नहीं, शराब वहां से नहीं गुजरी। वाइन शॉप्स होती हैं जो दारू का बिजनेस होता है, वो किसी भी मुल्क की जीडीपी में एक अहम रोल निभाती है, और यहाँ पर जो बेवड़े होते हैं उनकी थोड़ी इज्जत मेरी नजर में बढ़ जाती है, क्योंकि जो वही तो खरीदेंगे वही तो जो बेवड़े और दारू वो किसी भी मुल्क की जो जीडीपी है उसमें एक अहम रोल निभाते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। अब कहा जा रहा है कि बाकायदा अल्कोहल शॉप शराब खाना जो है वो सऊदी अरब के अंदर खुलने जा रहा है। क्यों खुलने जा रहा है? सऊदी अरब ने ऐसा क्यों करा? कारण क्या था सऊदी अरब का कि अचानक सऊदी अरब कह रहा है कि औरतें भी गाड़ी चला लें? ठीक है, नाच गाना भी होगा। वहां पे एक जमाने में ये सब करने के लिए कोड़े पड़ते थे, औरतें ड्राइव करेंगी तो सऊदी सोसाइटी में हल्ला हो गया, औरत गाड़ी चलाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? हबीबी नॉट अलाउड। तो फिर क्राउन प्रिंस ने बोला हबीबी अलाउड, हम बोलती औरत गाड़ी चलाती। उसने बोला ठीक है, शेख बोलती तो ठीक ही बोलती। तो शेख ने बोला औरतें गाड़ी चला रही। अरे सऊदी अरब कैसे चलेगा, वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डिसाइड करेगा। तुमसे पैसे लेती है सऊदी अरब, उल्टा तुम उससे लेते हो। भाई जिससे तुम पैसे लेते हो, जिससे तुम भीख मांगते हो और वो पैसे वापस भी नहीं करते, ओ भाई उसकी तो इज्जत कर लो। उसी ने गलती से तुम्हारा टीवी का प्रोग्राम, वैसे कोई तुम्हारे टीवी का प्रोग्राम नहीं देखता, अगर उसने देख लिया टीवी का प्रोग्राम तो वहां पे तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां पे तो शेख समझेगा नहीं कि पाकिस्तानी ऐसा क्यों बोलते हैं। कह रहे हैं यार जब भीख मांगनी होती है तब तो हमारे चौकट पे खड़े रहते हैं, हमारे द्वारे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, और जब हम कोई स्टेप लेते हैं तो सबसे ज्यादा तनकीद भी यही करते हैं, ये तो दोगले हैं बंद करो। 70 साल पहले वहां पर थी लेकिन अब दोबारा जो है वो खुला जा रहा है। क्यों? सऊदी अरब जो ऑयल से पैसे कमाता है वो पैसे अब कम पड़ रहे हैं। तुम भी चालू कर लो दारू आरू, पिलाओ पियो, कब तक कटोरे के दम पर रहोगे? कब तक बेचारे फिजा तीन तीन कटोरे लेकर खड़ी रहेगी? हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए, कब तक? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसी लिए है, वैसे ये बोलते हैं पीते तो सारे काम करते हैं लेकिन ये मानते नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में भी शराब ऐसे ही बिकती है तो सिर्फ गैर मुस्लिमों को अलाओ, लेकिन गैर मुस्लिम के नाम पे ले लिया जाता है, उसके आईडी कार्ड पे ले लिया जाता है, और फिर आगे कौन कौन पीता, किस तरह चलती है शराब, ये आपको पता है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? ये पाकिस्तानी दुनिया के सबसे हिपोक्रेट इंसान है। इस न्यूज के ऊपर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती है ना। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, और नेक्स्ट न्यूज क्या है कि मैं बोलूं भाई साहब अंबानी दिवालिया हो गया, कैसा लगेगा सुनकर? हंसी आएगी कि क्या किट्टू भाई पागल हो गई है क्या? इस बंदे के मुंह से सुनो, ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान दुनिया में किस लिए जाना जाता है? भीख मांगने के लिए। और ये अमेरिका को बोल रहा है भाई साहब कि अमेरिका के पास पैसे खत्म हो गए। अमेरिका के पास पैसे खत्म हो गए, ये दौर भी आना था। दुनिया की सुपर पावर कह रही है मेरे पास पैसे खत्म हो गए, ये एक बड़ी खबर। होमलेस, जॉबलेस, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त उरूज पर है अमेरिका के। अब तक की सबसे बड़ी खबर जिसे कहा जाए तो वो ये होगी। एक तो इस भाई को सारी खबर बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी खबर नहीं, ये तू जो सुना रहा है ना ये बहुत बड़ा जोक है मेरे भाई, बहुत बड़ा जोक। जो बाइडेन एक ऐसा सदर साबित हुआ है जो अमरीका को तारीख के गढ़ों में गिरा चुका है। भाई अपने मुल्क का सोचो, तुम्हारे मुल्क में इतना बेड़ा कर्क है जो तुम्हारे मुल्क के लड़के है ना आधी चाइना के हाथों बिक जाती है, सोतेले अब्बू से ही अपना हलाला करवाती है, और जो बची हुई है ना वो 10 किलो पाउडर पोत के सोशल मीडिया पे हनी ट्रैप चलाती हैं, और ये करेंगे दूसरी कंट्री को क्रिटिसाइज। अपने मुल्क के लड़कियों को काबू में रख लो, जो चंद व्यूज और डॉलर्स के लिए नंगा नाच कर रही है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, उनको काबू में कर लो, उनको जॉब दिला दो, तब मानूंगी मैं। इस मुल्क में आपको नौकरी भी नहीं मिलती बगैर पर्ची के।
अब जो पाकिस्तानी है और एटम बम की बात नहीं करे तो ये कैसा हो सकता है यार। इनको सोते जागते उठते हगते खाते पीते हर जगह एटम बम दिखाई देता है। इन भाई साहब का मानना है ये प्रिडिक्शन बहुत अच्छा करते हैं, खासकर युद्ध की। ये जो बोलते हैं ना वो युद्ध सच में छिड़ जाता है। इन्होंने बोला जो गजा है ना उस पर एटम बम गिरने वाला है। गजा पर एटम बम हमला, इसकी तैयारी की जा रही है, ये बहुत बड़ी खबर। वाह, मेरे लिए तो ये मतलब दिल को सुकून करने वाली खबर है। एटम बम हमला क्या करेगा? पहला एटम बम हमला होगा अगर खुदा ना खास्ता होगा। न्यूक्लियर बम जो है वो एक ऑप्शन है। गाजा स्ट्रिप पूरी की पूरी पट्टी को उड़ा दिया जाए। अब आर्मी बिरादरी इस बात पे खामोश रहेगी। अब देखो एटम बम गिरेगा किस पर? गाजा पर। लेकिन फट कौन रहा है? पाकिस्तान। अब यही तो कयामत है यार। इसराइल का सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है कि हम बम मार के, पहले भी कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने फलस्तीन का, गजा का, लेकिन अब हम बम मार के पूरी की पूरी पट्टी को उड़ा देंगे। तो क्रिकेट्स ये था आज का वीडियो और मेरा मन कर रहा है मैं कुछ तूफानी करूं, और तूफानी बोले तो मेरे बॉस के ऑफिस में बैठकर उसका कैमरा यूज करके, उसका माइक, उसका लाइट, उसका सब कुछ यूज करके उसी को रोस्ट करने का मन कर रहा है मेरा। वाह बेटा। तो जो जो चाहता है कि मैं अपने बॉस को रोस्ट करूं कमेंट में बता देना, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है। मस्त प्लान है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। देखो पाकिस्तान है उसको 1800-1900 सदी जो है हमारी उनमें जीना है, जो होर लड़ी चली चुकी है। और बात रही सऊदी अरेबिया की, देखो भाई उसको ये करना पड़ेगा। रीजन ये है, मैं आपको इसमें सारी बातें क्लियर करना चाहता हूँ। रीजन ये है कि पाकिस्तान, सॉरी ये सऊदी अरेबिया था, अब तक उसकी इकोनॉमी किस पे चल रही थी? तेल पे। उसको आने वाला टाइम पता है 2037 तक क्या होने वाला है। और क्योंकि वो मतलब सऊदी अरेबिया जो है वहां पे सऊदी अरेबिया में टूरिज्म जो है वो और बढ़ाना चाहता है, ठीक है, ताकि वो तेल पे उसकी निर्भरता जो है वो कम हो जाए। अब वहां पे पर्यटक आएंगे तो कई और देशों से आएंगे, तो लोग बाहर घूमने जाते तो क्यों जाते? एंजॉय करने के लिए, सब कुछ मजाक मस्ती वाले माहौल में जाना चाहिए सबको, यही सबका प्लान होता है, ठीक है। अब उनमें एक चीज आती है शराब। बाहर से और भी कंट्री से लोग आते हैं तो उसको वहां पे शराब जो है वो नॉर्मल है, वो लोग पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो किसी को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, शराब वालियों को, शराब जो पीते उन लोगों को मैं बता दूं कि कोई प्रमोशन नहीं, और शराब हेल्थ के लिए हानिकारक है वो भी हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। जो पीते हैं वो बंद कर दो, जो नहीं पीते कभी सोचना ही मत। दूसरी बात कि सऊदी अरेबिया को उसकी इकोनॉमी आगे कैसे टिकेगी, कैसे मजबूत रहेगी, उसको ध्यान में रखते हुए ये किया है, और वो भी नॉन मुस्लिम के लिए क्लियर यहाँ पे ये किया है। फिर भी बिल्कुल, फिर भी पाकिस्तान के पेट में तो मरोड़ उठ रही है। और ऐसा फरजात नहीं है, जो लोग पीते हैं उनकी बात है, जो नॉन मुस्लिम वो तो पीते ही, जो मुस्लिम है वो तो पीते ही नहीं है, वो तो आप सब लोग जानते ही हो अच्छे से। और जो नॉन मुस्लिम है उसको भी पीने के लिए जब उसको शॉप पे शॉपिंग करने जाना पड़ेगा शराब की बोतल लेने के लिए, तब उसको एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड दिया जाएगा, वो सबमिट करेंगे, उसके बाद ही उसको ये मिल जाएगा। मतलब सब ये सब फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बाकी पाकिस्तानी को जितना झले उतना झलने दो, उसको इन सारी चीजों का पता ही नहीं है। ये बातें ही नहीं कर रहे कि सऊदी अरेबिया ये क्यों कर रहा है, वो आगे का सोच रहा है, इस पाकिस्तानियों की तरह वो पीछे नहीं जाना चाहता। वीडियो में क्लिप में देखा है एक भी पाकिस्तानी वो बता ही नहीं रहा कि सऊदी अरेबिया ये क्यों कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर तंग कस रहे हैं, जो भी है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।